मतलब विजयश्री उराव का ये साफ कहना है कि बीजेपी के सर पे जयराम महतो चल रहा है, बीजेपी और आजसू दोनों नेताओं के साथ में वो दिखाई दिए, तो इसलिए वो स्पष्ट हो गया, तो फिर इसलिए हम लोग ज्यादा उन पे अब दिमाग नहीं वो कर रहे हैं, क्योंकि आपने काफी उनके साथ शेयर किया है, मंच शेयर किया है, मंच भी शेयर किया है, फोन पे बातें भी होती रहती थी हमारी आपस में, मगर वो कहीं ना कहीं कटने वाली भी बात समझ में आती थी, तो वो तस्वीरों से दिख गया, तो उसके बाद हम ज़्यादा वो अब दिमाग नहीं खर्च नहीं करते हैं उनके ऊपर, तो ठीक है वो चलना चाहें जिस तरह से भी चलना चाहें, मगर हम लोगों से कहीं से तालमेल उनकी तरफ से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तब सुर सिंह मिश्रा भी उनसे अपसाइड हो चुके हैं। हो चुके हैं, वो तो बेचारे वो तो बहुत ही इतने खुश थे कि एक युवा जो है आ गया है, मतलब उनको इतने वो खुश थे क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे उसमें, मतलब जो वो एक प्रतिबिंब उसमें देख रहे थे जयराम में, कि जिस समय हम इस एज में थे तो हमने भी ऐसा किया था, और वो पूरा हर तरीके से सहयोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, मगर उनकी भी जो भावनाओं की इज्जत नहीं की। जयराम महतो भी आएंगे, उनका स्वागत है, वो आना चाहें तो जरूर आए, मगर वो आना चाहेंगे तब तो वो बिल्कुल अलग ही कैडर अपना बना के घूमते हैं। उनका कहना है किसी भी स्टेज से हम पॉलिटिकल लोगों से दूर रहना चाहते हैं। पॉलिटिकल अब तो हम लोग भी नहीं है देखा जाए तो, मगर वो अपने ही उसमें स्टाइल में चलना चाहते हैं तो ठीक है, हमको उनसे कोई परेशानी नहीं है, वो अपना जो भी करना चाहें करें, मगर आना चाहें तो स्वागत है, और नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम तो करते ही रहेंगे। आपके द्वारा क्या उन्हें कुछ बोला गया? नहीं नहीं, बोलने का तो बातचीत तो होती ही रही है, मगर वो हमेशा अपने ही एजेंडे पर चलने वाले व्यक्ति है, सामूहिकता में विश्वास नहीं करते हैं, वो अपना जो निर्णय होता है, जैसे हम लोग सामूहिकता पे जिस तरह से चलने की बात सोचते हैं और करते हैं या कर भी रहे हैं, तो वो बात उनमें नजर नहीं आती। तो क्या ये अकेले लड़ाई लड़ी जा सकती है? हम तो एक साथ हैं, वो जिनके साथ चलना चाह रहे हैं, वो किनका बैकअप मिल रहा है वो सबको दिख रहा है और दिख चुका है, मगर हम लोग तो एक साथ हैं, हम लोग एक साथ चलना चाह रहे हैं। इसके तरफ इशारा कर रही हैं आप बैकअप? ये साफ हो चुका है, आप लोग भी देखे, आप लोग तो मीडिया वालों के तरफ से स्पष्ट देखिए, कुछ सुनने में तो जरूर आता था, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था सभी के दिन में ये बात आती थी कि अगर बोलते हैं कि एक अति गरीब परिवार से है तो आखिर मूवमेंट इतना जबरदस्त कैसे हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रहा है कुछ ना कुछ, मगर कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता था, बातें तो वहाँ पर ध्यान तो हमारा उधर जा ही रहा था, मगर फिर कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई कि जिनको अभी जो सत्ता पक्ष में नहीं है आजसू और बीजेपी, उनके जो एक तरह से कैडर कहे जाने वाले जो उन्हीं नेताओं के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, वैसे ही नेता जो वही जो कैडर के लोग जो हैं वो जयराम महतो के अगल बगल दाएं बाएं पीछे खड़े हुए हमें तस्वीर में दिख गए, और वो स्पष्ट हो गया कि क्यों वो बाकियों से घुलना मिलना नहीं चाहते, उनको आवश्यकता ही नहीं है, या फिर किसी कुछ विशेष कारण से घुलना मिलना नहीं चाहते, तो ये उनका अपना तरीका है, वो अगर सबसे कट के अलग ही रहना चाहते हैं, अगर सुपरस्टार के स्टाइल में चलना चाहते हैं तो चलें ज़रूर, हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, सामूहिकता में विश्वास करते हैं, और आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, टीम की ज़रूरत होती है, और जो हमारा लाइक माइंडेड लोग जो हैं हम लोग साथ में चल रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे पूर्वज हमारे जो ऊपर वाले हैं वो हमें ज़रूर आशीर्वाद देंगे।